हेलो दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारे पास ये देख लीजिए एक वॉच है दोस्तों। ऐसे कोई और भी वॉच हो सकती है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं आप अपनी वॉच की, स्मार्ट वॉच की आप स्क्रीन किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। साथ में आपको बेल आइकन ज़रूर दबा देना है। हम ऐसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड, वॉच रिपेयर से रिलेटेड नई नई वीडियोज अपने चैनल पे रोज़ अपलोड करते रहते हैं, और साथ में आपको बेल आइकन ज़रूर दबा देना है ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। तो आप हमें दोस्तों इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये देख लीजिए जो मेरे पास वॉच है, तो इसमें हमने जो लेमिनेशन होती है वो कराई हुई थी। तो देख लीजिए लेमिनेशन से पूरा इसमें स्क्रैच भी हैं और डॉट्स भी हैं। तो जो लेमिनेशन है दोस्तों वो आपको हल्के फुल्के स्क्रैच से बचा सकती है, लेकिन अगर ज़्यादा स्क्रैच है तो फिर वो आपको स्क्रीन में आ सकते हैं। तो इसलिए आपको लेमिनेशन नहीं करानी है। और आपको लगाना क्या है दोस्तों, आप वीडियो में पूरे एंड तक बने रहना, वीडियो स्किप भी नहीं करना और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको। ये देख लीजिए जब हमने लेमिनेशन लगाई थी तो इसमें काफ़ी स्क्रैच अंदर भी आ गए हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों हमारे पास इसका ग्लास है ये। तो आप भी दोस्तों कोई भी ग्लास लगा सकते हैं। तो देखते हैं ये कैसा ग्लास है, ओपन कर लेते हैं पहले से। तो ये ग्लास है और इसके साथ ये इसके वाइप के लिए, इसको साफ करने के लिए, स्क्रीन साफ के लिए। तो ये देख लीजिए, दोस्तों ये देख लीजिए ये वाइप के लिए इस कपड़े दे रखे हैं, एक इसमें गीला होता है और एक ये ड्राई होता है। तो कैसे यूज करेंगे ये भी आपको हम बताएंगे आपको स्क्रीन साफ करने के लिए। तो इसमें 1-2 भी दिया हुआ है दोस्तों। और ये रहा ग्लास दोस्तों, ये देख लीजिए इसका ग्लास है ये। देखते हैं ये फ्लेक्सिबल है कि नहीं है, ये देख लीजिए काफ़ी फ्लेक्सिबल है ये। ये देख लीजिए पूरा इसे मोड़ भी सकते हैं। अगर इस तरीके का आप ग्लास लगाओगे तो स्क्रीन दोस्तों ज़्यादा सेफ रहती है। ये देख लीजिए, तो आप किस तरीके से लगाएंगे आप देखते रहिए। पहले आपको ये ओपन करना है दोस्तों। अगर ये आपको ग्लास के साथ नहीं भी मिले तो आप थिनर की मदद से और ख़ुद के कपड़े की वजह से आप इसे साफ़ कर सकते हैं, कॉटन के कपड़े की वजह से। तो ये सेकंड में आपको ड्राई वाले कपड़े से क्लीन कर लेना है। ध्यान से देखना दोस्तों वीडियो, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा मैं आप किस तरीके से टेम्पर लगा सकते हैं इसमें। तो ये दोस्तों देख लीजिए क्लीन हो गया है, क्योंकि हमने वॉच क्लीन कर ली है। तो अब इसको हम दोस्तों निकालेंगे, देख लीजिए जो टेम्पर है दोस्तों उसके साथ एक पन्नी लगी होती है, देख लीजिए कैसे निकालनी है आपको। ऐसे निकाल के और सिंपली आपको इस तरीके से फिट कर देना है। तो दोस्तों ये देख लीजिए हमारा फिट हो गया। तो इस तरीके से आप इसके बबल निकाल सकते हैं ये आसानी से। दोस्तों आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर ये लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है वॉच का जो टच है वो टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि हाथ में रहता है तो हाथ इधर उधर कहीं लग गया
तो टूटने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आपको टेम्पर्ड काफ़ी चीप रेट में मिल जाएगा। अगर इसका जो प्राइस जानना है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिए। काफ़ी चीप रेट में मार्केट में मिल जाएगा, आप खुद से भी लगा सकते हैं इसे और स्क्रीन अपनी टच बचा सकते हैं इसमें ना। तो ये देख लीजिए, ये जो थोड़ा सा माइनर इसमें बबल आ जाते हैं वो धीरे धीरे दोस्तों जब वॉच चलते रहती है तो वो निकल जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने जो वॉच है उसमें आप स्क्रीन गार्ड लगा सकते हैं और टेम्पर लगा सकते हैं ताकि आपकी जो स्क्रीन है वो सेफ रहे, स्क्रैच ना आए। और आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। और हाँ दोस्तों, एक बात और, अगर आपको दोस्तों ये जो टाइम जो वॉच है दोस्तों वो उससे रिलेटेड कोई भी आपके मन में सवाल हो या फिर आपकी वॉच में कोई और प्रॉब्लम आ रही हो या दोस्तों आपको टेम्पर्ड से रिलेटेड कुछ जानना हो या टच से रिलेटेड, तो आज हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिए। धन्यवाद।